नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,48,421 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,33,40,938 हो गई है। वही पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,205 नए मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,54,197 तक पहुँच गयी है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,04,099 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,93,82,642 है। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1,34,00,000 कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67,00,000 कोवैक्सीन शामिल थी, लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से जवाब आया कि वो वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने साफ कह दिया कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से वैक्सीन दे रही है, केंद्र ही वैक्सीन तय कर रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से 100 से अधिक सेंटर्स बंद करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में हालात काफी खराब हो रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो कहीं बेड्स और दवाएं नहीं है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज वैक्सीनेशन को लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पर भी राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। देशों के समूह को लेकर चीन की धमकी से बांग्लादेश आश्चर्यचकित है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने कहा था कि ढाका को क्वाड में शामिल नहीं होना चाहिए और यदि वह किसी भी तरह से बीजिंग विरोधी क्लब में हिस्सेदारी करता है तो दोनों देशों के रिश्तों को काफी नुकसान होगा। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। बहरहाल, चीनी राजदूत ली जिमिंग की टिप्पणी को बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमन ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक स्वतंत्र और सप्रभु देश है और वे अपनी विदेश नीति स्वयं तय करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा है कि वे चीन की तरफ से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं करते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण तेजी पर है। 16 जनवरी से ही देश में एंटी कोविड वैक्सीनेशन जारी है। हालांकि कई राज्यों ने दावा किया कि उनके पास टीके है ही नहीं। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फार्मूला शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों को 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएंगी। केंद्र के अनुमान मई महीने में वैक्सीन की 8,50,00,000 खुराकों का उत्पादन हो सकता है। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर आई पश्चिम बंगाल की महिला के साथ रेप के मामले में पुलिस ने किसान नेता योगेंद्र यादव से पूछताछ की। पुलिस ने नोटिस देकर किसान नेता योगेंद्र यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जांच में पूरा सहयोग करेगा, महिला के साथ बदसलूकी आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त मोर्चा जांच के लिए आंदोलन में शामिल हर व्यक्ति से सहयोग करवाने को तैयार है। यादव ने कहा है कि उन्हें छेड़खानी की जानकारी थी, लेकिन पहले पीड़िता का उपचार प्राथमिक था। यादव ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें पहले से हुई हैं, लोग इस घटना का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा और आंदोलन सत्य के साथ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तीन कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके तहत किसान अलग अलग जगहों पर रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नूरपुर बेदी में भी किसानों ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। वहीं इस रैली में बड़े बड़े किसान नेता भी शामिल हुए, जिनमें किसान नेता राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। तेल कंपनी ने डीजल पेट्रोल के दाम में भारी बढ़त का सिलसिला बुधवार को भी जारी रखा। बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। इस बढ़त के साथ ही भोपाल में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, वहीं दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए के पार चला गया है। पिछले हफ्ते ही मंगलवार से ही तेल कंपनियों ने दाम में बढ़त का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो आज भी जारी रहा। चक्रवात और पश्चिमी डिस्टरबेंस के चलते अगले 5 दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में मौसम का मिजाज अलग रह सकता है। खासतौर पर उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने की घटना के बाद भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग के माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल जैसे इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से फोन पर हालात के बारे में बातचीत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारी व उन परिवारों के साथ मजाक है, जिन्होंने अपनों को खोया और ऑक्सीजन अस्पताल दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं, देशवासियों के साथ धोखा है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।